हेलो स्टूडेंट, दिस इज लेक्चर 8 एंड लास्ट ऑफ इज मेटल अराउंड अस प्योर। दिस इज द सेकंड चैप्टर ऑफ क्लास 9। ओके, दिस इज लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। टुडे वी नो अबाउट द डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। हम आज बात करेंगे कि मिक्सचर और कंपाउंड्स में क्या डिफरेंस है। तो इसके लिए हमने एक टेबल तैयार किया है। इस साइड आपका मिक्सचर है और इस साइड आपका कंपाउंड है। वन बाय वन इनकी प्रॉपर्टी के बेसिस पे इनके डिफरेंस को जानेंगे। तो पहला प्रॉपर्टी, एलिमेंट्स ऑफ कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म। मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर वो होता है जिसमें एलिमेंट या कंपाउंड सिर्फ मिले हुए होते हैं। ठीक है, मिले हुए होते हैं और उनके मिलने से कोई नया कंपाउंड या नया सब्सटेंस नहीं बनता है। बट कंपाउंड एलिमेंट रिएक्ट टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड। कंपाउंड में क्या होता है कि एलिमेंट रिएक्ट करते हैं तब न्यू कंपाउंड बनता है। रिएक्ट कैसे करते हैं? अपने को बताया गया कि ए कंपाउंड आर दोज इन विच टू और मोर एलिमेंट केमिकली कंबाइन इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन टू फॉर्म कंपाउंड। मतलब कंपाउंड वो है जिसमें दो या दो से अधिक एलिमेंट केमिकली कंबाइन करते हैं फिक्स्ड रेशियो में और तब आपका कंपाउंड बनता है। लेकिन ये ऐसे ही मिला दिए और बन गया। सेकेंड, अ मिक्सचर हैज अ वेरिएबल कंपोजिशन। मतलब अगर आप बात करते हो एयर के मिक्सचर की, तो आप जहाँ हो, जहाँ हम हैं या आपके आसपास की जो भी जगह है, वो सभी जगह एयर का कंपोजिशन सेम नहीं होता है। या जैसे आपने कभी शरबत पिया तो उस शरबत की मिठास सभी के द्वारा हमेशा, या आप ही अगर दो बार तीन बार बनाओ तो उसमें स्वीटनेस उसकी हमेशा एक समान नहीं होता है। यानी उसकी कंपोजिशन फिक्स नहीं होती, वेरिएबल होता है। बट द कंपोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स। बट कंपाउंड जो बनते हैं, कोई भी नए कंपाउंड बनते हैं, वो उनमें जो भी एलिमेंट है, जो भी कंस्टिट्यूएंट्स है, वो हमेशा क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। मिक्सचर शो अ प्रॉपर्टीज ऑफ द कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस। मिक्सचर जैसे आपने शुगर सॉल्यूशन बनाया, शुगर को वाटर में मिक्स किया, आपने जब उसको टेस्ट किया तो उसका से टेस्ट स्वीटी हो गया, स्वीटनेस आ गया उसमें। सॉल्ट मिला दिया तो सॉल्टी हो गया। दैट मीन्स कि मिक्सचर में जो कंस्टिट्यूएंट है उनकी प्रॉपर्टी दिखती है, बट द न्यू सब्सटेंस हैज टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी। बट कंपाउंड बनते एलिमेंट से हैं और जिस एलिमेंट से वो बने हैं उसके बाद, बनने के बाद उनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग हो जाती है। जैसे दूध से दही जब बन जाता है तो दही की प्रॉपर्टी बिल्कुल दूध से अलग हो जाती है। ठीक है, उसी प्रकार से जैसे आपका सोडियम, ऐसे अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं तो सोडियम से का प्रॉपर्टी और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बना वो बिल्कुल अलग हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, द कंस्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड फेयरली इजली बाय अ फिजिकल मेथड। जो इसके कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं उसको आसानी से फिजिकल मेथड द्वारा अलग कर सकते हो। आपको बताया गया था इससे पहले, हम पूरे चैप्टर में यही पढ़ रहे थे कि जो मिक्सचर है उनके कंस्टिट्यूएंट को कैसे अलग करेंगे, इवेपोरेशन से, क्रोमेटोग्राफी से, उसके बाद कंडेंसेशन से, उसके बाद डिस्टिलेशन से, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। ये सारे वो फिजिकल मेथड है जिसके जरिए हम मिक्सचर को, मिक्सचर में मौजूद उसके कंस्टिट्यूएंट को अलग अलग कर सकते हैं। जैसे शुगर और क्या वाटर का मिक्सचर है, तो इवेपोरेशन के जरिए वाटर को इवेपोरेशन प्रोसेस के जरिए वाटर को इवेपोरेट करके और शुगर को हम लोग ले लेंगे, कर लेंगे के कंपोनेंट को सिंपल फिजिकल मेथड के द्वारा अलग कर सकते हैं। बट द कंस्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय अ केमिकल और अ इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। लेकिन इसके जो कंपोजिशन है उसको आप सिंपल केमिकल प्रोसेस द्वारा भी नहीं, ठीक है, बट केमिकल प्रोसेस द्वारा या इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस द्वारा अलग कर सकते हो। बट वी कैन अदर टाइप ऑफ केमिकल प्रोसेस मे बी हार्ड एंड ऑल्सो सेपरेटेड बाई इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, दैट मीन्स कंपाउंड कंस्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड ओनली बाई अ केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, बट मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाई अ सिंपल फिजिकल मेथड। इन दिस वे योर सेकेंड चैप्टर विल बी in this way your second chapter is in, and in this way also your half midterm syllabus is also complete. Okay, thank you.
आप इसको रिवाइज कीजिए, जो डाउट्स है, जो प्रॉब्लम है, कुछ आपको टॉपिक छूट गया है उसको आप भेजिए हम तक, उसके ऊपर हम अच्छा से बताएंगे, या जो डाउट जो टॉपिक पढ़ाया गया उसमें भी अगर कोई डाउट रह गया है ठीक है तो उसके बारे में बताइए, उसको और अच्छा से समझाने की कोशिश किया जाएगा ठीक है। तो इस तरीके से आपका चैप्टर फर्स्ट एंड सेकंड खत्म हो गया। ये आपके मिड टर्म का सिलेबस होता है, दैट मीन्स कि उतना हम लोग कवर कर चुके हैं। बट इसके अंदर आपको कोई टॉपिक के ऊपर डाउट या मेरे पढ़ाने के ऊपर भी कोई डाउट रहा तो उसको हम तक भेजिए, उसको और अच्छा से करने की हम कोशिश करेंगे। थैंक यू।